वेलकम टू LearningSTAN, लर्न टू नो एंड नो टू लर्न। हम कंटिन्यू कर रहे हैं मेजरमेंट एंड मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स के साथ। प्रीवियस लेक्चर में हम 1 टू 20 क्वेश्चन सॉल्व कर चुके थे, आज हम आगे के क्वेश्चंस के साथ कंटिन्यू करेंगे। लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए सो दैट आपको सभी नए वीडियोज की नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलती रहें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। This is question number 21. Which of the following types of instruments does suffer from error due to magnetic hysteresis? इनमें से कौन से instrument में hysteresis की वजह से error produce होता है? Options are induction type, electrodynamic instruments, moving iron instruments and PMMC instruments. The correct answer here is option C, moving iron instruments. Moving iron instruments में हिस्टेरेसिस की वजह से एरर प्रोड्यूस होता है और इस एरर को रिड्यूस करने के लिए रोटेटिंग डिस्क को निकल आयरन अलॉय से बनाया जाता है। और एसी सप्लाई के केस में अगर फ्रीक्वेंसी 125 हर्ट्ज से ज्यादा हो जाती है तो उस केस में मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट्स में एडी करंट्स की वजह से कांस्टेंट वैल्यू एरर्स प्रोड्यूस होते हैं, इसलिए मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट्स को प्रेफरेबली 125 हर्ट्ज से नीचे की फ्रीक्वेंसीज के लिए ही यूज किया जाता है। Next is question number 22. During the measurement of low resistance using a potentiometer, the following readings were obtained. Low resistance measurement के लिए potentiometer से कुछ readings ली गई हैं. First is voltage drop across unknown resistance is 0.531. Second है voltage drop across 0.1 ohm standard resistance connected in series with the unknown resistance is 1.083 volt. और पूछा है value of unknown resistor. Suppose ये एक unknown resistance है R और ये standard resistance है S, दोनों series में connected हैं with a voltage source और voltage drop across R is V1 and voltage drop across the standard resistance जो कि given है 0.1 ohm, इसके across voltage drop है V2. R resistance को measure करने के लिए एक potentiometer connect किया गया है, V1 की value given है 0.531 volt, V2 की value given है 1.083 volt और साथ ही स्टैंडर्ड रेजिस्टेंस S की वैल्यू 0.1 ओम ये भी गिवन है। नाउ ये दोनों रेजिस्टेंसेस R और S सीरीज में कनेक्टेड हैं, तो दोनों के अक्रॉस जो करंट होगा वो इक्वल होगा, दैट मींस I इज इक्वल टू V1 बाय R इज इक्वल टू V2 बाय S। यहां हमें V1 की, V2 की और S की वैल्यू गिवन है और हमें R की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, तो हम यहां से इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। R इज इक्वल टू V1 बाय V2 मल्टीप्लाइड बाय S, इसकी वैल्यू हम यहां पुट करेंगे, V1 इज 0.531, V2 इज 1.083 एंड S इज 0.1 और इसे कैलकुलेट करने से हमें आंसर मिलेगा 0.04903 ओम, तो दिस इज 49.03 मिली ओम। ऑप्शन ए में यहां गिवन है 49.03 मिली ओम, therefore option A here is the correct answer. Next is question number 23. Which of the following does not employ a null method of measurement? इनमें से कौन से instrument में null method use नहीं होता है? Options हैं Megger, DC potentiometer, Kelvin double bridge and AC potentiometer. So the correct answer here is option A, Megger. Megger में null method use नहीं होता है और rest DC potentiometer, Kelvin double bridge और एसी पोटेंशियोमीटर तीनों में नल मेथड ऑफ मेजरमेंट यूज होता है। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 24। व्हेन अ मल्टीप्लायर इज एडेड टू एन एग्जिस्टिंग वोल्टमीटर फॉर एक्सटेंडिंग इट्स रेंज, इट्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डैम्पिंग विल बी व्हाट? क्वेश्चन में पूछा है कि अगर किसी वोल्टमीटर की रेंज को एक्सटेंड करने के लिए एक मल्टीप्लायर रेजिस्टेंस को ऐड किया जा रहा है तो उसके इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डैम्पिंग पे क्या इफेक्ट होगा? ऑप्शंस हैं दैट इट रिमेंस अनइफेक्टेड, इट इंक्रीजेस, इट डिक्रीजेस और चेंजेस बाय एन अमाउंट डिपेंडिंग ऑन कंट्रोलिंग टॉर्क। जैसा कि हम जानते हैं कि वोल्ट मीटर एक इंडिकेटिंग मीटर है और इंडिकेटिंग मीटर्स सेकंड ऑर्डर इक्वेशन को फॉलो करते हैं एंड सेकंड ऑर्डर इक्वेशन इज गिवन बाय s स्क्वायर प्लस 2 जीटा ओमेगा n s प्लस ओमेगा n स्क्वायर, वेयर जीटा इज द डैम्पिंग रेशियो and omega n is the resonant frequency. Or for a series RLC circuit, characteristic equation is given by S square
प्लस आर बाय एल एस प्लस वन बाय रूट एल सी का होल स्क्वायर। और जब आप इन दोनों इक्वेशंस को कंपेयर करेंगे तो आपको मिलेगा 2 zeta omega n इज इक्वल टू आर बाय एल एंड ओमेगा एन इज इक्वल टू 1 by root LC। इस ओमेगा एन की वैल्यू को आप यहाँ पुट करेंगे, दैट मीन्स 2 zeta into 1 by root LC इज इक्वल टू आर बाय एल, और यहाँ से हमें जीटा की वैल्यू मिलेगी आर बाय 2 into √ C/L। तो यहाँ से आप देखिए कि जीटा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेजिस्टेंस, और जब वोल्ट मीटर की रेंज को एक्सटेंड करने के लिए एक सीरीज मल्टीप्लायर रेजिस्टेंस को कनेक्ट किया जाएगा विद द मीटर, तो रेजिस्टेंस की वैल्यू इंक्रीज होने की वजह से डैम्पिंग रेशियो इंक्रीज होगा, मींस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डैम्पिंग ऑफ द मीटर विल इंक्रीज। देयरफॉर ऑप्शन बी हियर इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 25। इन रेफरेंस टू द फिगर द वोल्टेज वेवफॉर्म VT इज मेजर्ड बाय PMMC, अ PMMC कंबाइंड विद ब्रिज रेक्टिफायर एंड a moving iron instrument. Two lists are prepared thereafter. ये voltage waveform given है, इसका voltage measure करने के लिए एक PMMC device, एक PMMC combined with bridge rectifier और एक moving iron instrument से इस voltage waveform को measure किया गया है। और यहाँ दो list दे दिए हैं, one is instrument list and another is list of instrument reading. यानी कि instrument और उनकी readings की एक list given है और इनको हमें करेक्टली मैच करना है। फर्स्ट इज PMMC। PMMC इंस्ट्रूमेंट्स एवरेज वैल्यू को कैलकुलेट करते हैं, तो यहाँ एवरेज वोल्टेज इज इक्वल टू 1/time period मल्टीप्लाइड बाय इंटीग्रेशन ऑफ VT फ्रॉम 0 to t, एंड इंटीग्रेशन ऑफ VT फॉर टाइम पीरियड T इज रिप्रेजेंटेड बाय एरिया ऑफ कर्व फॉर दिस टाइम पीरियड। और यहाँ पे टोटल टाइम पीरियड है 16 milliseconds, means 1/16, एंड एरिया ऑफ कर्व इज 10 × 4, means 40। और जब आप इसे कैलकुलेट करेंगे तो वी विल गेट एवरेज वोल्टेज इज इक्वल टू 2.5 volt, यानी कि PMMC की जो रीडिंग होगी दैट विल बी 2.5 volt, means A को आप मैच करेंगे 3 से। नेक्स्ट इज PMMC रेक्टिफायर। PMMC रेक्टिफायर मीटर को PMMC रेक्टिफायर इंस्ट्रूमेंट को साइनसॉइडल सिग्नल के RMS वैल्यू को मेजर करने के लिए कैलिब्रेट किया जाता है। PMMC रेक्टिफायर इंस्ट्रूमेंट को साइनसॉइडल सिग्नल्स के RMS वैल्यू को मेजर करने के लिए स्केल के साथ 1.1, दैट मींस फॉर्म फैक्टर ऑफ साइनसॉइडल सिग्नल, PMMC रेक्टिफायर इंस्ट्रूमेंट्स को साइनसॉइडल सिग्नल के RMS वैल्यू को मेजर करने के लिए कैलिब्रेट किया जाता है, और इसमें स्केल को 1.1 से मल्टीप्लाई किया जाता है। एज यू नो फॉर्म फैक्टर इज इक्वल टू RMS वैल्यू डिवाइडेड बाय एवरेज वैल्यू। साइनसॉइडल सिग्नल का फॉर्म फैक्टर 1.1 के इक्वल होता है, इसलिए RMS इज इक्वल टू 1.1 मल्टीप्लाइड बाय एवरेज वैल्यू, और इस वजह से PMMC रेक्टिफायर इंस्ट्रूमेंट के स्केल को 1.1 से मल्टीप्लाई करके कैलिब्रेट किया जाता है। इसमें इनपुट में आप कोई भी सिग्नल देंगे, जैसे कि यहाँ पर वोल्टेज वेवफॉर्म स्क्वायर शेप में गिवन है, तो यहाँ पर जो रीडिंग हमें मिलेगी दैट विल बी 1.1 मल्टीप्लाइड बाय एवरेज वैल्यू ऑफ दिस सिग्नल, मींस 1.1 इनटू एवरेज हमने अभी कैलकुलेट किया 2.5, दिस इज 2.75 volts, ये होगी रीडिंग PMMC रेक्टिफायर मीटर की। यानी कि इसे हम 2 से मैच करेंगे, A matches with 3, B matches with 2, that means C matches with 1. C is moving iron instrument, moving iron instrument का रीडिंग होगा 5 volt, moving iron instrument RMS वैल्यू को मेजर करता है, so the RMS voltage VRMS is given by √1/T (0 to T) VT का स्क्वायर इंटू dt,
और जब आप इसे कैलकुलेट करेंगे तो VRMS आपके पास आएगा 5 वोल्ट. दैट मीन्स मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट की रीडिंग होगी 5 वोल्ट. तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर है दैट इज ऑप्शन बी. ए मैचेस विद 3, बी मैचेस विद 2 एंड सी मैचेस विद 1. नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 26. इफ अ 110 वोल्ट 50 हर्ट्ज इज अप्लाइड अक्रॉस PMMC वोल्ट मीटर ऑफ फुल स्केल रेंज 220 वोल्ट एंड इंटरनल रेजिस्टेंस 10 किलो ओम द रीडिंग ऑफ वोल्ट मीटर विल बी व्हाट. कहता है कि एक PMMC के अक्रॉस 110 वोल्ट और 50 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी का सोर्स लगाया गया है और वोल्ट मीटर की फुल स्केल रेंज 220 वोल्ट तक है, इंटरनल रेजिस्टेंस 10 किलो ओम है, देन व्हाट विल बी द रीडिंग ऑफ द मीटर. जैसा कि क्वेश्चन में गिवन है कि ये एक PMMC वोल्ट मीटर है और PMMC वोल्ट मीटर एवरेज वैल्यू को मेजर करेगा. इनपुट सिग्नल 110 वोल्ट 50 हर्ट्ज का है, यानी कि साइनोसॉइडल सिग्नल है जिसकी फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज है और साइनोसॉइडल सिग्नल का एवरेज वैल्यू 0 होगा. देयरफॉर द रीडिंग ऑफ दिस वोल्ट मीटर विल बी 0. ऑप्शन ए हियर इज करेक्ट. नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 27. टू मैक्सिमाइज द ड्राइविंग टॉर्क इन एन इंडक्शन टाइप इंस्ट्रूमेंट फ्लक्स प्रोड्यूस्ड बाय शंट कॉइल एंड सीरीज कॉइल शुड बी व्हाट. क्वेश्चन में गिवन है इंडक्शन टाइप इंस्ट्रूमेंट, मीनिंग टू से कि यहाँ एनर्जी मीटर के बारे में बात की गई है क्योंकि एनर्जी मीटर वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ इंडक्शन. तो कहता है कि एनर्जी मीटर के ड्राइविंग टॉर्क को मैक्सिमाइज करने के लिए शंट कॉइल और सीरीज कॉइल्स में जो फ्लक्स प्रोड्यूस होंगे उनके बीच का एंगल किसके इक्वल होगा. ऑप्शंस हैं इन फेज विद ईच अदर, कहने का मतलब दैट द एंगल बिटवीन द फ्लक्सेस इज 0. ऑप्शन बी इज इन क्वाड्रेचर विद ईच अदर, यानी कि फाई इज 90 डिग्री. ऑप्शन सी इज डिस्प्लेस्ड बाय 45 डिग्री विद रिस्पेक्ट टू ईच अदर एंड ऑप्शन डी इज आउट ऑफ फेज विद रिस्पेक्ट टू ईच अदर, कहने का मतलब फाई इज इक्वल टू 180 डिग्री. सो द करेक्ट आंसर हियर इज ऑप्शन बी इन क्वाड्रेचर विद ईच अदर, यानी कि फाई इज इक्वल टू 90 डिग्री. एनर्जी मीटर में जो ड्राइविंग टॉर्क होता है दैट इज प्रोपोर्शनल टू VI साइन फाई, वेयर फाई इज द एंगल बिटवीन फ्लक्स प्रोड्यूस्ड इन शंट कॉइल एंड फ्लक्स प्रोड्यूस्ड इन सीरीज कॉइल. दैट मीन्स कि इस ड्राइविंग टॉर्क को मैक्सिमम होने के लिए साइन फाई शुड बी इक्वल टू 1, मीन्स फाई इज इक्वल टू 90 डिग्री. सो ऑप्शन बी हियर इज द करेक्ट आंसर. नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 28. To minimize the errors due to lead and contact resistances, low resistance used in electrical measurement work are provided with which of the following? पूछा गया है कि लो रेजिस्टेंस मेजरमेंट के टाइम लीड और कॉन्टैक्ट रेजिस्टेंस की वजह से जो एरर प्रोड्यूस होता है उसको मिनिमाइज करने के लिए इनमें से क्या प्रोवाइड किया जाता है. दिस क्वेश्चन इज रिलेटेड विद कैल्विन डबल ब्रिज, जिसे लो रेजिस्टेंस मेजरमेंट के लिए यूज किया जाता है. This is a Kelvin double bridge and this small r here is the lead and contact resistance between point M and N. इस lead resistance के effect को minimize करने के लिए Kelvin double bridge में 2 ratio arms को use किया जाता है, जिसे कि 4 terminal method भी कहते हैं. First ratio arm ये है capital P and Q और second ratio arm small P and Q, जिसकी वजह से we get 4 terminals here. टर्मिनल ए, टर्मिनल एम, टर्मिनल एन एंड टर्मिनल सी. इस अरेंजमेंट को यूज करके लो रेजिस्टेंस मेजरमेंट में जो लीड रेजिस्टेंस की वजह से एरर प्रोड्यूस होता है उसको हम मिनिमाइज करते हैं. सो हियर ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर. नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 27. द एवरेज वैल्यू ऑफ वोल्टेज वेव वी इज इक्वल टू 110 प्लस 175 साइन ऑफ 314 t माइनस 25 डिग्री वोल्ट्स इज व्हाट. वोल्टेज वेवफॉर्म का इक्वेशन गिवन है और इसका एवरेज वैल्यू पूछा गया है. तो यहाँ एवरेज वोल्टेज इज 110, मीन्स ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर. नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 28. द SI यूनिट ऑफ कंडक्टिविटी इज व्हाट. कंडक्टिविटी इज रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टिविटी एंड रेजिस्टिविटी इज गिवन बाय R into A divided by L. Resistance का यूनिट होगा ओम, एरिया का मीटर स्क्वायर और लेंथ इज कैलकुलेटेड इन मीटर्स. तो यहाँ से रेजिस्टिविटी का यूनिट हो जाएगा ओम मीटर.
कंडक्टिविटी इज द रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टिविटी, मीन्स इसका यूनिट हो जाएगा 1/ohm meter, एंड 1/ohm इज रिप्रेजेंटेड लाइक दिस विच इज कॉल्ड मो. देयरफॉर कंडक्टिविटी का जो यूनिट होगा दैट विल बी मो पर मीटर. ऑप्शन डी हियर इज द करेक्ट आंसर. नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 29. इन इलेक्ट्रोडायनामोमीटर एममीटर द डिफ्लेक्शन ऑफ द पॉइंटर इज प्रोपोर्शनल टू व्हाट. पूछा गया है कि इलेक्ट्रोडायनामोमीटर एममीटर में पॉइंटर का डिफ्लेक्शन किसके प्रोपोर्शनल होगा. इलेक्ट्रोडायनामोमीटर इंस्ट्रूमेंट में डिफ्लेक्टिंग टॉर्क इज गिवन बाय I1 I2 cos alpha dm by d theta. दैट मीन्स TD इज प्रोपोर्शनल टू I1 एंड I2, वेयर दिस I1 एंड I2 इज द RMS वैल्यू ऑफ द करंट्स फ्लोइंग थ्रू फिक्स्ड कॉइल एंड मूविंग कॉइल. तो यहाँ ऑप्शन डी में देखिए गिवन है दैट द डिफ्लेक्शन ऑफ द पॉइंटर इज प्रोपोर्शनल टू मीन स्क्वायर ऑफ द करंट्स इन फिक्स्ड कॉइल एंड मूविंग कॉइल. ऑप्शन डी हियर इज द करेक्ट आंसर. नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 30. इफ करंट थ्रू ऑपरेटिंग कॉइल ऑफ अ मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट इज डबल्ड द ऑपरेटिंग फोर्स बिकम्स व्हाट. पूछा गया है कि अगर एक मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट में ऑपरेटिंग कॉइल से फ्लो होने वाले करंट को डबल कर दिया जाए तो ऑपरेटिंग फोर्स पे क्या इफेक्ट होगा. इन केस ऑफ मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट द डिफ्लेक्टिंग टॉर्क इज इक्वल टू 1/2 I² dl/d थीटा एंड टॉर्क इज इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट. यानी कि हम कह सकते हैं दैट दिस फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I² और क्वेश्चन में कहा है कि इस करंट I की वैल्यू को डबल कर दिया गया है. तो अगर करंट को डबल कर दिया जाएगा तो फोर्स विल बिकम 4 times. दैट मीन्स ऑप्शन डी हियर इज द करेक्ट आंसर. नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 31. इन मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट्स द आयरन मूव्स इन डायरेक्शन टू कॉज. मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट में जो आयरन डिस्क है वो किस डायरेक्शन में मूव करती है. द करेक्ट आंसर हियर इज ऑप्शन सी. मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट में जो आयरन डिस्क है दैट मूव्स इन अ डायरेक्शन टू कॉज मिनिमम रिलक्टेंस पाथ. आयरन डिस्क उस डायरेक्शन में मूव करता है जहां पर उसे मिनिमम रिलक्टेंस मिलता है. नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 32. अ मूविंग कॉइल इंस्ट्रूमेंट हैज रेजिस्टेंस ऑफ 10 ओम एंड गिव्स फुल स्केल डिफ्लेक्शन एट 0.5 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस इट. हाउ कैन इट बी अडॉप्टेड टू मेजर अ करंट अप टू 100 एम्पेयर. क्वेश्चन इज रिलेटेड विद द एनहांसमेंट ऑफ एमीटर्स. एक PMMC इंस्ट्रूमेंट गिवन है जिसका मीटर रेजिस्टेंस है 10 ओम और कहा गया है दैट इट गिव्स फुल स्केल डिफ्लेक्शन एट 0.5 वोल्ट. तो यहाँ से हम मीटर करंट कैलकुलेट कर सकते हैं विच इज गिवन बाय IM इज इक्वल टू 0.5 वोल्ट डिवाइडेड बाय मीटर रेजिस्टेंस RM विच इज 100 ओम. तो IM हो जाएगा 50 मिली एम्पेयर. और अब पूछता है कि इस मीटर को अगर हम 100 एम्पेयर्स करंट को मेजर करने के लिए यूज करना चाहते हैं तो हमें क्या करना पड़ेगा. तो जैसा कि हम जानते हैं कि एममीटर की रीडिंग को इंक्रीज करने के लिए मीटर के साथ एक शंट रेजिस्टेंस को कनेक्ट किया जाता है विच इज इक्वल टू RM डिवाइडेड बाय M-1. M इज द मल्टीप्लीकेशन फैक्टर एंड दिस इज इक्वल टू I/IM. I इज द करंट टू बी मेजर्ड मीन्स 100 एम्पेयर एंड IM इज 50 मिली एम्पेयर. तो यहाँ से M विल बी 2000. जब हम इस M की और RM की वैल्यू को यहाँ पुट करेंगे तो हमें RSH की वैल्यू मिलेगी 0.005 ओम. तो आप ऑप्शन में देखिए, ऑप्शन ए कहता है दैट 100 एम्पेयर्स करंट मेजर किया जा सकता है बाय कनेक्टिंग अ शंट रेजिस्टेंस ऑफ 0.005 ओम अक्रॉस द मीटर. देयरफॉर ऑप्शन ए हियर इज द करेक्ट आंसर. नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 33. The multiplying power of shunt of millimeter is 8. If the circuit current is 200 milliampere, then current through the meter is what? Multiplying power means multiplying factor M ki value given hai 8 and the circuit current I ki value given hai 200 milliampere. To hame meter current IM ki value find out karni hai. M is equal to I/IM. To yahan se IM ki value ho jayegi I/M. I गिवन है 200 मिली एम्पेयर और M गिवन है 8. दैट मीन्स
IM is equal to 25 milliampere. So option A here is the correct answer. Next is question number 34. A DC voltmeter has sensitivity of 1000 ohm per volt. When it measures half full scale in 100 volt range, the current through the voltmeter will be what? Voltmeter ki sensitivity given hai 1000 ohm per volt. Full scale voltage ki value given hai 100 volt. Aur question mein kaha gaya hai ki jab ye voltmeter ki reading half of the full scale reading hogi, that means 50 volt hogi, tab voltmeter mein se pass hone wali current ki value kya hogi? Jaisa ki hum jante hain that sensitivity of the voltmeter is inversely proportional to the full scale deflection current. This 1 upon IFS is equal to resistance of voltmeter divided by full scale voltage of the voltmeter. From here, hum voltmeter ka resistance calculate kar sakte hain, which is sensitivity multiplied by voltage, means 1000 into 100, that is 100 kilo ohm. Therefore, full scale deflection current is equal to V upon RV. V is 100 and resistance of voltmeter is 100 kilo ohm. That is, IFS is equal to 1 milliampere. Aur question mein pucha gaya hai, jab ye voltmeter half full scale value ko measure karega, tab isme se kitna current flow hoga? Agar full scale deflection current ki value 1 milliampere hai, to half of full scale ke liye, it will be IFS by 2. That means 1 milliampere divided by 2 equal to 0.5 milliampere. So, yahan option D mein given hai 0.5 milliampere. Therefore, option D here is the correct answer. Next is question number 35. Moving coil, PMMC and moving iron instruments can be distinguished by observing its what? Pucha gaya hai ki ek moving coil instrument hai aur ek moving iron instrument hai. Aap inko dekh ke kaise bata sakte hain ki ye kaun sa meter hai? To yahan option D is the correct answer, that is scale. In meters ke scale ko dekh ke hum bata sakte hain ki ye kaun sa meter hai. Because permanent magnet moving coil instrument mein the deflection angle is directly proportional to the current to be measured, jiski wajah se PMMC instrument ka jo scale hai, that is linear. Moving iron instruments mein theta is directly proportional to square of the current to be measured, aur is wajah se moving iron instrument ka scale non-linear hota hai, जिसे cramped scale बोलते हैं. तो इन दोनों के scales को observe करके हम distinguish कर सकते हैं कि कौन सा PMMC instrument है और कौन सा moving iron. Therefore, option D here is the correct answer. Next is question number 36. If a dynamometer type wattmeter is connected in an AC circuit, the power indicated by the wattmeter will be which of the following? कहा गया है कि डायनोमोमीटर टाइप वॉटमीटर को अगर किसी एसी सर्किट में हम कनेक्ट करते हैं तो ये कौन सी पावर को इंडिकेट करेगा? ऑप्शंस आर पीक पावर, दिस इज रॉन्ग. नेक्स्ट इज इंस्टेंटेनियस पावर, दिस इज आल्सो रॉन्ग. नेक्स्ट इज वोल्ट एम्पियर प्रोडक्ट, दिस इज आल्सो रॉन्ग. द करेक्ट आंसर हियर इज एवरेज पावर. सपोज ये एक मोटर लोड है और इसका पावर कैलकुलेट करने के लिए हमने यहाँ एक वॉटमीटर को कनेक्ट किया है. दिस इज द फिक्स्ड कॉइल ऑफ वॉटमीटर जिसमें से लोड करंट I1 फ्लो कर रहा है. सपोज दिस I1 इज इक्वल टू I, और दिस इज द पोटेंशियल कॉइल कनेक्टेड अक्रॉस द सप्लाई वोल्टेज जिसमें से करंट I2 फ्लो कर रहा है. एंड एज वी नो दैट द डिफ्लेक्शन टॉर्क इन केस ऑफ डायनोमोमीटर टाइप इंस्ट्रूमेंट इज गिवन बाय आई वन इंटू आई टू इंटू कॉस ऑफ अल्फा डी एम बाय डी थीटा. एंड दिस अल्फा इज इक्वल टू एंगल बिटवीन आई वन एंड आई टू. सपोज दिस इज इक्वल टू फाइव. आई वन इज इक्वल टू आई, आई टू इज इक्वल टू वी बाय दिस आर रेजिस्टेंस ऑफ द पोटेंशियल कॉइल इंटू कॉस ऑफ फाइव डी एम बाय डी थीटा. सो डिफ्लेक्टिंग टॉर्क is equal to VI cos phi dm by d theta and this divided by R. तो यहाँ से ये VI cos phi जो है, this is average power, यानि कि हम कह सकते हैं that the deflection torque is directly proportional to average power. और जब controlling torque becomes equal to
द डिफ्लेक्टिंग टॉर्क यानी कि के थीटा इज इक्वल टू, यानी कि हम लिख सकते हैं दैट के थीटा इज इक्वल टू एवरेज पावर, दैट मीन्स थीटा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एवरेज पावर. तो जो वॉट मीटर रीडिंग है दैट इंडिकेट्स द एवरेज पावर, तो वॉट मीटर की रीडिंग एवरेज पावर को इंडिकेट करती है. सो ऑप्शन डी हियर इज द करेक्ट आंसर. प्रीवियस क्वेश्चंस की नंबरिंग में मिस्टेक हो गया है. दिस इज क्वेश्चन नंबर 39. द सीरीज मैग्नेट ऑफ अ सिंगल फेज एनर्जी मीटर कंसिस्ट ऑफ कॉइल ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग. एनर्जी मीटर के सीरीज मैग्नेट में इनमें से किस तरह का कॉइल यूज होता है. एनर्जी मीटर में शंट मैग्नेट पे वोल्टेज कॉइल या पोटेंशियल कॉइल को प्लेस किया जाता है और सीरीज मैग्नेट पे करंट कॉइल को प्लेस किया जाता है. पोटेंशियल कॉइल को थिन वायर से डिजाइन करते हैं जिसके नंबर ऑफ टर्न्स ज्यादा होते हैं, वेयर एज करंट कॉइल को थिक वायर से डिजाइन करते हैं और उसके नंबर ऑफ टर्न्स लेस होते हैं. तो यहाँ पूछा गया है कि सीरीज मैग्नेट पे जो कॉइल प्लेस करते हैं वो कैसा होता है, यानी कि करंट कॉइल की बात की गई है. सो करंट कॉइल कंसिस्ट ऑफ थिक वायर ऑफ फ्यू टर्न्स. ऑप्शन बी हियर इज द करेक्ट आंसर. नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 40. मूविंग आयरन मीटर कैन बी यूज टू मेजर विच ऑफ द फॉलोइंग. मूविंग आयरन मीटर्स को एसी और डीसी दोनों तरह की सप्लाई के लिए यूज करते हैं. देयरफॉर ऑप्शन ए हियर इज द करेक्ट आंसर. इस सेशन में हम यहीं तक करेंगे. 40 क्वेश्चंस कंप्लीट हो चुके हैं. नेक्स्ट क्लास में आगे के क्वेश्चंस के साथ हम कंटिन्यू करेंगे. आई होप कि आप सभी की प्रिपरेशन अच्छे से चल रही होगी और हम जो लेक्चर्स आपके लिए लेके आ रहे हैं वो आपके लिए बेनिफिशियल हो रहे होंगे. अगर आपको हमारे लेक्चर्स अच्छे लग रहे हैं तो वीडियो को लाइक जरूर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें. एंड थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो.